सो लेट्स गो। तो ये जो शॉप है ना वो पास में ही है, बैटरी वाले की शॉप, उनका नाम बबलू भैया है। अभी कल ही मैंने अपनी क्लासिक 350 की सैलाइट है ना इंडिकेटर, उसके दोनों बल्ब उड़ गए थे। मतलब जो दोनों बल्ब थे ना वो LED बल्ब थे, तो वो अंदर से पता नहीं कैसे टूट गए थे। तो कल मैंने दोनों चेंज किए और वापस जो स्टॉक वाले बल्ब आते हैं ना इंडिकेटर के, वही वापस मैंने इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं मेन रोड से सीधा सीधा तो जाता, लेकिन वहाँ पे है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं पिछली गली से जा रहा हूँ। बैटरी तो मैंने वहां से ले ली है, तो बस वहां से वो बैटरी कलेक्ट कर दी। 50 रुपये वो थे जो बैटरी चार्ज की है ना फुल चार्ज, बस उसका ओनली 50 रुपीज लिए थे। और जो बबलू भाई है वो मुझे पहले से जानते हैं, क्योंकि मेरे पास जितनी भी बाइक है ना, बाइक है कार थी, वो सबकी बैटरी चार्जिंग करवाने के लिए, रिप्लेस करवाने के लिए और नई बैटरी खरीदने के लिए मैं वही वाली शॉप पे ही जाता था। वाह कितना मस्त मौसम है आज, देखो एकदम उजाला, मतलब जो सूर्य की जो किरणें निकल रही है कितनी मस्त निकल रही है, एकदम फ्रेश। अभी बच्ची मेरी बीमार हो गई, बाकी अभी घूमने को बहुत ही मज़ा आता। जो वो चली अपनी इंटरसेप्टर 650, क्या दहाड़ी अभी जोश है, व्रूम। ये वाली जो बैटरी है ना वो KTM RC की बैटरी है, और अपनी ये वाली Continental GT की बैटरी है। तो चलिए अभी मैं वापस इसका Continental GT में इंस्टॉल कर देता हूँ। तो बैटरी को डालने के लिए आपको है ना ये वाला कवर निकालना पड़ेगा, ये वाली सीट निकालनी पड़ेगी, और इस तरफ का भी कवर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैंने बैटरी निकाली थी, यहाँ से पहले क्लैम्प था, वो क्लैम्प पहले मेरे को एक क्लैम्प निकालना पड़ा, एक बेल्ट निकालना पड़ा, और ये जो स्क्रू है ना वो सब अनस्क्रू करने पड़े, तब जाके मैं पूरी बैटरी यहाँ से निकाल पाया था। तो इतना निकाल दिया, अभी ये वाली जो सीट है ना उसको भी निकाल देते हैं। अब सीट निकालने के बाद आपको ये वाला जो स्क्रू है ना वो स्क्रू को भी निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ से पहला खींचना है, ऐसे खींचना है और बाद में थोड़ा ऊपर ले जाना है, ऐसे ऊपर ले जाना है, और यहाँ पे ना वो रबर जैसा होल है ना, रबर जैसा होल उसके अंदर टाइट है, तो आपको यहाँ से सिर्फ खींचना है ऐसे। तो कुछ इस तरह से बैटरी आपको डालनी पड़ेगी। तो ये बैग को हटाया मैंने और रबर बैंड ने मैंने ऊपर कर लिया, और ऐसे मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो ये बैठ गई बैटरी अपने अंदर चली गई, देखो। तो ये देखिए नट्स, छोटे छोटे नट्स। तो ये मैंने जब मैं बैटरी को चार्जिंग के लिए देने जा रहा था शॉप पे, तो ये नट्स मैंने निकाल दिए थे। तो अभी इसको मैं वापस से इसके अंदर डाल दूंगा नट्स को। सो गाइस देखो कुछ इस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल किया है स्क्रू को, ये स्क्रू और नीचे ये नट, और मैंने इसको है ना ऊपर से ऐसे डिसमिस डाला था, ऊपर से डाला था और ऐसे ऊपर से घुमाया था। सो गाइस दोनों के दोनों प्रोसेस सेम ही है, जिस तरह से मैंने उस तरफ का सेट किया बस सेम उसी तरह का यहाँ पे भी सेट करना है। अच्छा इससे ना हो पाए, अगर आपके पास डिसमिस नहीं है तो आप ये वाला स्पैनर यूज करके भी ये जो बैटरी का जो नट है स्क्रू है वो फिट कर सकते हो। गाइस एक क्लैंप चेक कीजिए, तो एक क्लैंप है ना यहाँ पे लगेगा बैटरी के आगे, यहाँ पे ये वाला जो कांच है ना वो इस होल के अंदर डाल दो ऐसे, तो ये वाला जो क्लैंप है ना वो बैटरी को पकड़ के रखेगा, और उसके बाद ये वाला जो रबर है ना वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये क्लैंप लग गया है, अभी ये वाला जो बैंड है ना उसको पकड़ के खींचना है, ये पकड़ के खींचना है इसको, यहाँ से पकड़ के खींचो, और ये वाली जो तार है ना उसको यहाँ पे ऐसे। जैसे डालोगे तो ये अंदर चला जाएगा, और ये हो गई अपनी कॉन्टिनेंटल शुरू। तो ये वाला जो बैटरी वार्निंग इंडिकेटर है ना वो जब मैं अपनी GT को राइड कर रहा था ना तब ये वाला सिग्नल ऑन हो चुका था। एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप अपनी GT को बंद करो ना यहाँ से, की बंद करो ना,
तो ये जो किल स्विच है उसको जरूर ऑफ कर देना, नहीं तो क्या होगा कि आपकी आपकी बैटरी है ना वो डाउन होती रहेंगी कुछ ना, जो इसका जो ECU सिस्टम है ना वो बैकग्राउंड के अंदर कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, उसका जो मॉड्यूल है कुछ भी होगा ना तो वो चाबी बंद करने के बाद भी वो वर्क करेगा, लेकिन कब, जब ये वाला किल स्विच ऑन होगा ना तब। तो जब भी आप अपनी बाइक पार्क करो ना तो एक किल स्विच को जरूर दबा के रखना, ऑफ रखना, ताकि इसके अंदर ज़्यादा बैटरी यूज़ ना कर पाए आपकी बाइक। सो हेलो गाइस, तो अभी मैं वापस निकला हूँ कॉन्टिनेंटल GT लेके, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि राइडिंग करने के वक्त यहाँ पे जो बैटरी इंडिकेटर है वो ऑन होता है नहीं होता। तो थैंक गॉड अभी मैं जब राउंड कर रहा था, अपनी कॉन्टिनेंटल GT का राउंड मार रहा था, तो ये वाला जो बैटरी वार्निंग वाला इंडिकेटर है वो ऑन नहीं हुआ, वो बंद ही है। तो अच्छा हुआ कि मैंने बैटरी को चार्जिंग करवाने दे दी थी, तो अभी वो ऐसा कुछ ऐसा इश्यू नहीं आ रहा था। और ये मिरर भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये वाला जो मिरर है वो आपके लिए भी नए है। आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा ना, वो कोटना बीच वाला जो हम लोग सिनेमेटिक व्यू बनाने के लिए वहाँ पर गए थे, तो उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने ये हैंडल बार मिरर मैंने बताए थे। चले फटाफट, सिग्नल ऑन है तो निकल जाते हैं फटाफट से। वो अभी निकले और सिग्नल बन गया, हो गया बंद। जब भी मैं हेलमेट पहनता हूँ ना तो पता नहीं मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ। तो बस अभी ये देखो मैं खुले खुले रोड पे आ गया हूँ। तो बस इसी तरह से मेरे डेली व्लॉग अभी आने वाले हैं, मतलब डेली व्लॉग हर रोज तो नहीं रखने वाला, लेकिन व्लॉग आने वाला है। व्लॉग उसको हम लोग डेली व्लॉग तो नहीं बोलेंगे, हम उसको व्लॉग बोलेंगे। तो बस कुछ इस तरह से अपना व्लॉग हर वक्त आने वाला है। तो यार YouTube चैनल के ऊपर अभी कुछ बहुत सारा नया नया होने वाला है मेरी YouTube चैनल के ऊपर, इसलिए ज़्यादा व्यू भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनी जो कैटेगरी है ना वो कैटेगरी मैंने चैन कर दी है। तो अभी ऐसा कुछ सीन है, तो मिलता मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।